ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में रुक कर लेते हैं बेतिया की ओर। पश्चिम चंपारण जिले में बड़े ही धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। तो वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राणा दिलीप सिंह ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन एवं अपने पिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राणा पेट्रोल पंप विश्वकर्मा पूजा के साथ यहाँ भंडारे का आयोजन किया। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सभी कर्मचारियों को वस्त्र देकर सम्मानित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तैले चित्र पर तिलक लगाकर उनका जन्मदिन मनाया। महाभंडारा में पहुंचे जनता ने प्रशंसा की तथा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राणा दिलीप सिंह को तथा उनके माता पिता को आशीर्वाद दिया। पहले से इनके पिताजी भी करते थे और उन्हीं के माने पद चिन्ह पर चल रहे हैं राणा दिलीप जी, और समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। हर वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना, और भारतीय जनता पार्टी के वो रक्सौल जिला के प्रभारी भी हैं। लेकिन एक चीज़ हमको देखने, क्या कैमरे की चाहत कहीं पे वो नज़र नहीं आते, साइड से ही ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। काम करने वाले लोग काम में विश्वास रखते हैं, और कैमरा में आप लोग जानते हैं कि कैमरा में सब कोई आना नहीं चाहता है। समाज का ही भला, समाज के हित में काम करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या नाम हुआ आपका? पन्ना लाल सा नाम हुआ, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं बेतिया जिला संगठन। आज विश्वकर्मा दिवस है, विश्वकर्मा दिवस में सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारे राणा दिलीप भैया आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर काफ़ी हर्षोल्लास से उत्सव पर, कैसे प्रधानमंत्री शायद ही कभी देश को मिला है और भविष्य में मिलेगा, इसी शुभकामना के साथ उन्हीं के जन्मदिन को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ में विश्वकर्मा पूजा का भी आयोजन यहाँ किया गया। हाँ, किया गया। इसके उपलक्ष्य में क्या चल रहा है? भोज चल रहा है प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के चलते भी, और ज़्यादा उल्लास है। हाँ, खुशी है सब किसी के। वर्षों से चल रहा है भैया? अभी तो हाँ, यहाँ पहले से भी। नागेंद्र प्रसाद कुशवाहा।